आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से बनाए हैं। और ये देखिए कोफ्ता कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लौकी लेंगे और इसको अच्छे से छील लेंगे। ये मैंने छील लिए, अब हम किसी भी ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लेंगे। लौकी मैंने ग्रेट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, लौकी को थोड़ा थोड़ा निचोड़ देंगे। ये मैंने निचोड़ ली है, अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन आप ज्यादा मत डालिएगा, ज्यादा बेसन डालने से कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं। बस इतना डालिए कि आपके कोफ्ते अच्छे से बाइंड। हमने इसीलिए लौकी का एक्सेस पानी निकाल दिया था, क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो बेसन भी आपका ज्यादा लगेगा। ये देखिए ये अब बाइंड हो जाएगा। अब हम इसको रख देते साइड में और करते हैं मसाले की तैयारी। ये मैंने एक प्याज ली है, इसको काट लेंगे। बड़ी प्याज है, अगर आप छोटी प्याज लें तो 2 ले लीजिए। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम काट के डाल देंगे। ये 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, इसको हम पीसेंगे। और दूसरा मसाला तैयार करेंगे, ये टमाटर, 4 टमाटर लिए हैं और इसी में हम डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसालों को अलग अलग पीस लेंगे। दोनों ही मसाले मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं और अब चलिए कोफ्ते बना लेते हैं। इस पे रख दी मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। 3 इतना डालिएगा जिसमें कोफ्ते आपके आराम से अच्छे से डूब जाएं। ये करके इस तरीके से कोफ्ते छोड़ दीजिए और बिल्कुल धीमी आंच पे कोफ्ते बनाने हैं हमको, साइज मीडियम ही रखिएगा। और कड़छली से धीरे से चेक करिए कि ये अभी हुआ नहीं है। अब चाहे आप थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए, मीडियम हाई कीजिएगा। अब चलिए पलट लेते हैं। आप धीमी आंच पे सेकेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सेकेंगे। कोफ्तों में अगर हम ज्यादा बेसन डाल देते हैं तो कोफ्ते थोड़े टाइट हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ही बेसन डालना है। तो सिक गए हैं, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। कोफ्ते हमने सेक लिए हैं और एक्सिस तेल हमने इसमें से अलग कर दिया है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल है, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, पिंच ऑफ हींग, हींग जरूर डालिएगा, कोफ्तों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो प्याज लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है, वो प्याज को गोल्डन कलर आने तक भूनने दीजिएगा।
ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेसन। आप बेसन जरूर डालिएगा, इससे ग्रेवी एक तो गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और अब हम बेसन को भूनेंगे प्याज के साथ ही। बस आप ध्यान रखिएगा बेसन आपका जले नहीं। ये देखिए ब्राउन सा कलर होने लगा है, यानी आपका बेसन भुन गया है। अब ये हमने टमाटर के साथ मसाला पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला जरूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और गैस की फ्लेम को अब कर देंगे लो और धीमी आंच पे अच्छे से मसाले को भूनने देंगे। और डालेंगे इसमें 1 घूंट पानी। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी में ये कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्तों को अच्छे से मसाले में लपेट लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई। और अब डालेंगे हम 1 ग्लास पानी। डल सकता है क्योंकि हमारे कोफ्ते पानी को पी लेंगे, तो ये हमने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। और अब हम इसे तेज आंच पे ही 1 उबाली आने तक पकने देंगे। बस 1 उबाली आनी है, इससे ज्यादा नहीं। 1 उबाली आ चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके और इसको ढक के रख देंगे जिससे कि कोफ्ते अच्छे से फूल जाए। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है और कोफ्ते भी देखिए कितने अच्छे फूल के तैयार हो गए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और चलिए सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए लौकी के कोफ्ते बिल्कुल बनके तैयार हैं और आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।